आजकल आमतौर पे बीमारियां जैसे कि कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, इन सब में एक चीज कॉमन है, इनके सेल्स। जैसे कि अगर हम कैंसर सेल्स की बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में बनते हैं। होल्ड ऑन अ सेकंड, अभी आप बोलोगे कि ये अल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है। मैं इस पे डेली बेसिस पे इनके बारे में इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाता रहता हूँ कि हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन क्यों रखना चाहिए। तो मेक श्योर यू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर मैं स्कूल टाइम की बात करूँ तो स्कूल टाइम में हमने सीखा था पीएच वैल्यू, केमिस्ट्री में हमने सीखा था 7 अगर होगी तो वैल्यू न्यूट्रल होगी, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अगर हम 7 जो वैल्यू है न्यूट्रल, उसे अगर हम नीचे आएंगे तो जो मीडियम है वो एसिडिक होता जाएगा। अगर हम 7 के ऊपर जाएंगे 8, 9, 10 तो जो मीडियम है वो एल्कलाइन होता जाएगा। और अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें, ह्यूमन ब्लड की जो वैल्यू होती है वो 7.3 टू 7.6 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन ब्लड है इट्स स्लाइटली एल्कलाइन। बट अगर हम अपने पेट की बात करें, गट की बात करें, तो जो वहाँ पे जो पीएच वैल्यू होती है वो 3 होती है, वो अराउंड 3 के अराउंड होती है, 3.6 समथिंग अराउंड होती है। सो इट्स क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टिंग कि एक तरफ हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो अल्कलाइन है और जो हमारा पेट है, हमारा जो स्टमक है वो एक्चुअली एसिडिक है, उसकी वैल्यू 3 के अराउंड है। सो इट्स वेरी सिंपल, ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग एसिड्स इन अवर स्टमक। तो उसको नलीफाई करने के लिए, हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। अभी हम वीडियो के टॉपिक की बात करें, हाउ टू प्रिपेयर अल्कलाइन ग्रीन जूस। थिंग्स वी नीड टू मेक अल्कलाइन ग्रीन जूस आर 1 बंच ऑफ सिलेंट्रो, 1 पिंच ऑफ जिंजर, 1 होल कुकुम्बर, 3 टेबल स्पून ऑफ हेम्प पाउडर, 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 1 नींबू। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हेम्प पाउडर क्या है। हेम्प पाउडर बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बट फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर वो अवेलेबल नहीं है दैट्स टोटली फाइन। बट मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से खरीद सकते हैं। अब आपके पास सारा सामान आ गया है, आपको या तो हैंड ब्लेंडर की जरूरत पड़ेगी या मिक्सी भी चलेगी। तो इसमें आपको आधे से एक गिलास पानी डालना है और सबको एक साथ आपको ब्लेंड कर देना है। सो गाइस इट्स प्रीटी सिंपल, इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। ये चीज़ें जो है वो आपको मार्केट में नियर बाय कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी और बहुत सस्ती है, अराउंड 15 से 20 रुपए में ये पूरा ग्लास आपको मिल जाएगा। मे बी आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को पसंद नहीं है तो मैं क्यों खाऊं इसको, बट मैं आपको एक चीज़ की एश्योरिटी दूंगा, अगर आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो डेली बेसिस पे, लाइक ऑन द फर्स्ट डे, तो आपको 1 से 2 घंटे बाद वो फील, आप डिफरेंस फील करोगे। आपको लिटरली लगेगा कि यू नो मैं फुल ऑफ एनर्जी है मेरे अंदर, आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे। और उसका रीज़न ये है कि जब आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखते हो तो आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहते हैं, आपको क्रेविंग्स नहीं होगी, आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे और इसके साथ साथ आपकी बॉडी क्लीन होगी, डिटॉक्स होगी। सो टेक दिस एडवाइस गाइस, टेस्ट भले पसंद ना आए बट अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो। दिन के अंदर मॉर्निंग में जब आप उठते हो, एटलीस्ट वीक में 7 दिन तो नहीं, कम से कम 3 या 4 दिन इसे कंज्यूम करो, खुद भी कंज्यूम करो, अपने मॉम डैड को भी बोलो कंज्यूम करने के लिए, और बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद क्या क्या चीज़ें इसको कंज्यूम करनी है, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करनी है, सब मेंशन कर दूंगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, एंड प्लीज़ गाइज इसको बनाओ और पियो, डेली पियो, खुद भी पियो और घर वालों को भी पिलाओ। दैट्स ऑल इन द वीडियो गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।